हेलो गाइस, तो आज हम अड्डा 247 का जो एस क्वांटम एप्टीट्यूड का जो बुक है, तो वो हम आज उसका रिव्यू करने जा रहे हैं। तो फ्लिपकार्ट में, जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट में ये एस क्वांटम एप्टीट्यूड बुक का मैंने ऑर्डर किया था, तो आज ही मुझे डिलीवरी किया है। तो इसका जो टोटल प्राइस है 398 रुपीज़ एप्लीकेशन है, और उसका जो नाम है जो एस क्वांटम एप्टीट्यूड ए कॉम्प्लीट गाइड लेवल पे, ये इसका जो एक्सरसाइज है वो तीन लेवल पे होता है। एक होता है फाउंडेशन, मतलब कॉन्सेप्ट बेस, और एक होता है मॉडरेट, और एक होता है टॉप। उसके साथ 2300 प्लस क्वेश्चंस इसमें दिया है विथ 100% सॉल्यूशन, मतलब इसका 100% सॉल्यूशन इसमें दिया है। उसके साथ जो SBI IBBS RBI एग्ज़ाम का जो लेटेस्ट अभी जो चल रहा है जो पैटर्न, तो उस वही पैटर्न फॉलो किया है। उसके साथ जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है बैंक और इंश्योरेंस एग्ज़ाम में, तो वो भी इसमें इंक्लूड है, और ये अड्डा 247 पब्लिकेशन का ही है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, पहले इसका थिकनेस देख लेते हैं। तो ये जो है इसका थिकनेस है, राइट, ये इसका थिकनेस है, आप देख सकते हैं। इसके साथ आपका है कॉन्टेंट, तो देखिए कॉन्टेंट में क्या है। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, दो नंबर में है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप, उसके बाद है परसेंटेज, उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम एंड मिक्सचर एलिगेशन, उसके बाद है क्वांटिटी एटीट्यूड पार्ट टू, उसमें है मेंसुरेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद है डाटा इंटरप्रिटेशन यानी DI जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद है डाटा सफिशिएंसी, उसके बाद है आपका अपडेटेड प्रैक्टिस सेट्स बेस्ड ऑन द चेंजेस इन 2017 एंड 18, वही है। और उसके बाद और थोड़ा सा कुछ चैप्टर है एक्सरसाइज, आप इसको देख सकते हैं, जूम करके पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि पार्ट वन स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम किसी एक चैप्टर आपको दिखा देते हैं। जो जैसे कि देखिए प्रॉफिट एंड लॉस 78 पेज में है, 78 पेज में जो है देखिए इसमें स्टार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो वैसे तो ये थ्योरी कुछ दिया है, थ्योरी का नाम पे कुछ फॉर्मूला वैसे दिया है, कुछ कॉन्सेप्ट दिया है। उसके बाद जो है इसका कुछ वर्ड आउट सॉल्व एग्जांपल दिया है, कुछ कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट 3, उसके बाद कॉन्सेप्ट 4, इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट दिया है। उसके बाद जो है टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो मतलब ये जो है वर्क आउट सॉल्व एग्जांपल है, इसमें कोई एक्सरसाइज अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि 15 नंबर ऑफ जो है वर्क आउट एग्जांपल्स दिया है विद सॉल्यूशन। उसके बाद जो है एक्सरसाइज स्टार्ट होते हैं, जैसे कि देखिए फाउंडेशन वाला जो है, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड, देखिए फाउंडेशन में कितना है 40 क्वेश्चन है। उसके बाद मॉडरेट में क्या होता है, मॉडरेट में भी आपका जो है 40 क्वेश्चन है। उसके बाद डिफ़िकल्ट में भी आपको मिलेगा 20 क्वेश्चन। उसके बाद प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं देखिए इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के। तो उसके बाद जो है सॉल्यूशन है, पहले फाउंडेशन का सॉल्यूशन है, उसके बाद जो है आपका मॉडरेट का सॉल्यूशन होता है, उसके बाद आपका होता है डिफ़िकल्ट, और उसके बाद आपको जो है आपका प्रीवियस ईयर का जो मेमोरी बेस्ड है उसका सॉल्यूशन है। तो मतलब सॉल्यूशन 100% है, और इसी तरह से मतलब जो इसका जो मतलब टाइप है, इसी टाइप से हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है। तो ये बहुत ही अच्छी किताब है अड्डा 247 की तरफ से, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है दे दूंगा, आप वहीं से उसको परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।